For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं और इन 3 हफ्तों से ये स्पाई थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा है। पर अब 4थे हफ्ते में आते ही टाइगर का मुकाबला होगा एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 4 फिल्मों के साथ। जी हाँ, रिलीज के बाद अपने 4थे हफ्ते में अकेले टाइगर को 4 फिल्म से लड़ना होगा, जिनमें से पहला नाम है काला कांदी, दूसरा 1921, तीसरा मुक्काबाज और चौथा डाउन अप द एग्जिट 796। वैसे तो ये 4 फिल्में ही कम बजट पर बनी हैं, लेकिन इनमें से कालाकांदी और मुक्काबाज दोनों ही क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में हैं। जहां कालाकांदी में सैफ अली खान के साथ एक्टर्स की टोली हमें देखने को मिलेगी, वहीं मुक्काबाज में विनीत कुमार सिंह, जिमी शेरगिल और रवि किशन मुख्य किरदारों में हैं। वैसे इन 4 फिल्मों से अकेले टाइगर की लड़ाई देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार टेली और फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। दोस्तों, अक्षय कुमार की मच एम्बिशियस वेंचर केसरी को लेकर शुरुआती दिनों से ही काफी बस बरकरार है। कुछ ही दिनों पहले अक्षय ने फिल्म के फर्स्ट लुक को किया रिवील और उसके बाद से ही लोगों में फिल्म की फीमेल लीड के बारे में जानने की उत्सुकता बनी गई। पर अब करण जौहर ने फाइनली अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अनाउंस कर दिया है कि केसरी में अक्षय के ऑपोजिट परिणीति चोपड़ा दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, पर ही होंगे केसरी की फीमेल लीड। बता दें, केसरी वही फिल्म है जो साड़ागरी के युद्ध पर बेस्ड होने वाली है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अक्षय एक सरदार जी के किरदार में दिखाई देंगे और इनके साथ परिणीति की केमिस्ट्री देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। आखिरकार ये दोनों एक साथ पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे, तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या राय हैं? वेल, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।